वेलकम इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर। अपने चैप्टर का नाम क्या है? अपने चैप्टर का टॉपिक है वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। टेंस में पढ़ते हैं ना सेंटेंस बनाना, तो उसी तरह आज हम सीखेंगे हिंदी में वाक्य बनाना या वाक्य किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि वाक्य क्या होता है या वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी लिटिल ट्रिक्स दूंगी कि आपका जो ये वाक्य वाला कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो एंड तक देखना है। क्या करना है आपको? वीडियो एंड तक देखना है। चलो अब हम पढ़ते हैं वाक्य। तो दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? हम वाक्य बोलते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासों में हम पढ़ते ही आए कि वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है, शब्दों को मिलाने से वर्ण बनता है। तो शब्दों को मिलाना यानी शब्दों को सार्थक क्रम में मिलाना। क्या करना? शब्दों को सार्थक क्रम में मिलाना, उसे हम वाक्य कहते हैं। ऐसे में अगर उठपटांग किसी शब्द को रख देंगे और इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, ऐसा शब्द समूह, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका क्या होता है, कोई अर्थ होता है, वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। जिसका कोई अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। अगर अब आपको कोई पूछ ले कि वाक्य क्या होता है या वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य की परिभाषा बताओ, तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। डायरेक्ट सिंपली वे में बोलना है कि ऐसे शब्दों का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है या जिससे हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ कि वाक्यों को, वाक्य में शब्दों को क्रम से कैसे लिखना है, और अगर शब्दों को क्रम में नहीं लिखा जाएगा तो उसके उसका प्रोनाउंसिएशन है जो मिस्टेक हो जाएगा, उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे मैं आपको दो उदाहरण देती हूँ कि पहला है प्रियंका पुस्तक पढ़ रही है। प्रियंका क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो ये क्या है? ये वाक्य का एक सार्थक क्रम समूह है। क्या है? एक वाक्य का सार्थक, अब इसको सही वे में लिखा हुआ, डायरेक्टली मैंने इसको पढ़ लिया, प्रियंका पुस्तक पढ़ रही है, प्रियंका पुस्तक पढ़ रही है। तो आपको भी समझ में आ गया कि प्रियंका क्या कर रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। तो दैट्स क्लियर। ये क्या है? इसका भाव प्रकट हो गया, हमें समझ में आ गया। तो हमारा एग्जांपल है कि डाल पर दो तोते बैठे हैं। तो डाल पर क्या कर रहे हैं? तोते बैठे हैं। कितने बैठे हैं? दो बैठे हैं। तो जैसे इस सेंटेंस को हमने पढ़ा, इस सार्थक शब्द समूह को हमने पढ़ा, तो हमें समझ में आ गया कि काम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ है जो अर्थ निकल रहा है, इसीलिए इनको वाक्य कहते हैं। अब जैसे अगर इस शब्द समूह को मैं उठपटांग लिख दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इसका ही कर रही हूँ, पढ़ रही है पुस्तक प्रियंका। मैंने क्या लिखा? पढ़ रही है पुस्तक प्रियंका। तो पहले मैंने क्या लिखा था? ये लिखा था। अब लिखा है कि पढ़ रही है पुस्तक प्रियंका। तो पहले मैंने क्या आपको ये एग्जांपल दिए थे, अब मैं इसको थोड़े से उल्टे सीधे लिखती हूँ, पढ़ रही है पुस्तक प्रियंका, पढ़ रही है। कितना डिफिकल्ट वाक्य है ना, कितना कठिन वाक्य है। तो इसका जो है मीन हमें समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा मैंने ये पहले वाला लिखा था कि प्रियंका पुस्तक पढ़ रही है, तो आपको जल्दी से समझ में आ गया। तो इसको हम प्रॉपर वाक्य कह सकते हैं। जैसे हमने पहले लिखा था कि डाल पर दो तोते बैठे हैं, अब मैंने लिखा बैठे पर डाल है दो तोते, तो क्या हुआ, हमें करेक्टली समझ में नहीं आया। तो ये वे है जो ये सार्थक क्रम में लिखा हुआ, इसीलिए इसको वाक्य कहते हैं। और ये है जो पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो इन्हें हम प्रॉपर वाक्य नहीं कहेंगे। ये होती कोई
वाक्य के अंग या वाक्य के प्रकार, जिसको हम बोलते हैं टाइप भी बोल सकते हो, प्रकार भी बोल सकते हो, भाग भी बोल सकते हो। तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? मैंने आपको बताया, अभी जस्ट बताया है, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से होता है? पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए। उद्देश्य में क्या होता है? वाक्य में सेंटेंस को समझो, परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, परिभाषा अपने आप अपने माइंड में फिट हो जाएगी। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में हम जिसके भी बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेरे बारे में कि मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ, या अध्यापिका आपको हिंदी पढ़ा रही है। तो हिंदी कौन पढ़ा रही है आपको? अध्यापिका। तो अध्यापिका के बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है अध्यापिका। तो अध्यापिका क्या कर रही है? हिंदी पढ़ा रही है। अब हिंदी कौन पढ़ा रहा था? अध्यापिका। तो बात किसके बारे में हुई? अध्यापिका के बारे में। तो जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब सेकंड टाइप है विधेय। सेकंड टाइप क्या है? विधेय। तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। फर्स्ट टाइप तो था उद्देश्य। तो उद्देश्य तो वो होता है कि सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसे तो बोलते हैं उद्देश्य। और जो पीछे ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट और ये जो पीछे जो कुछ भी बचता है उसे हम विधेय के अंडर लेते हैं। कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बोला जा रहा है, उसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं, आप इस एग्जांपल के आधार पर आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे क्लियर करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर है, यहाँ पर मीरा गाना गा रही है। मीरा है जो क्या कर रही है? मीरा गाना गा रही है। तो बात किसके बारे में हो रहा है? गाना गा रही है। कौन गा रही है? तो मीरा। तो मीरा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट, उद्देश्य हो गया। क्या हो गया? उद्देश्य। क्योंकि वाक्य में अकेली मीरा का ही तो नाम आया है, मीरा का ही नाम आया अकेली। तो मीरा है जो सब्जेक्ट है हमारा। ये सब बातें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? मीरा। तो मीरा क्या कर रही है? गाना गा रही है। गाना कौन गा रही है? तो मीरा। तो क्या आया? उद्देश्य। अब ये जो पीछे जो कुछ भी बचा उसे हम कहेंगे विधेय। उसे क्या कहेंगे? विधेय। यानी बात किसके बारे में हो रही है? मीरा के बारे में। अब मीरा के बारे में क्या बात हो रही है? कि गाना गा रही है। मीरा क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो ये आएगा विधेय। विधेय में हमने यही तो पढ़ा था कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर्षा हो रही है। क्या हो रहा है? रेन हो रहा है। तो रेन, वर्षा हो रही है। तो किसके बारे में बात हुई? क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। तो वर्षा क्या हुआ? उद्देश्य। अब हो के बारे में तो बात नहीं रही है, रही के बारे में बात नहीं रही है के बारे में भी बात नहीं हो रही है। किसके बारे में बात? किसके बारे में हो रही है? वर्षा के बारे में। इसीलिए ये हो गया हमारा उद्देश्य। हमें हमारा उद्देश्य मिल गया, हमें सब्जेक्ट है जो मिल गया। अब जो पीछे बचेगा वो होगा विधेय। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते ही पीछे वाला जो पार्ट बचता है वो हमारा विधेय होता है। तो ये जो पीछे है वो रही है, ये हो गया हमारा विधेय। ये क्या हो गया? विधेय। तो क्या आपको मुश्किल लगा? नहीं, ये तो बहुत ही इजी था। अगर आप इसको सिंपली वे में पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा। अगर शब्दों के अर्थ को समझोगे तो अपने आप ही है जो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना उलझने की जरूरत नहीं है शब्दों को समझना है कि शब्दों का क्या अर्थ निकल रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि वाक्य, तो शब्दों के अर्थ, जिस शब्दों के मेल का अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। तो जब शब्दों के अर्थ को समझोगे तो परिभाषाएं, उदाहरण अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज के हमारे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? वाक्य, वाक्य क्या होता है, या वाक्य किसे कहते हैं, या वाक्य का अर्थ कैसे प्रकट होता है, वाक्य का अगर उसको उटपटांग ढंग में लिखेंगे तो उसका जो है अर्थ कैसे परिवर्तन होता है, वाक्य के अंग, दो प्रकार के
Thank you for watching the video. If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.